Hello guys, welcome to H2O, the A to Z of chemistry. मैं हूँ डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर इस कोर्स के लिए, एंड आई होप कि आप ये कोर्स मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं. आज हम शुरू करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 12, बट मेक श्योर आपने पहले सभी लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले जरूर देख ले हो. लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था गे लुसैक लॉ, और आज इस लॉ के बेस्ड पे हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सो दैट कि आपकी एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग हो सके. आप कोई भी क्वेश्चन इस लॉ से रिलेटेड आए तो उसको आसानी से सॉल्व करें. तो गे लुसैक लॉ हमने सीखा था कि दिस गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड द टेम्परेचर ऑफ अ गैस. अगर हमारे पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस हो, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम हो, तो प्रेशर ऑफ द गैस इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. और टेम्परेचर कौन सा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर. सो बेस्ड अपॉन दिस लर्निंग आज हम 7 क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग करेंगे, और उन 7 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन होंगे जो कि डायरेक्ट लॉ के ऊपर बेस्ड होंगे. 3 क्वेश्चन हम ग्राफ के ऊपर बेस्ड करेंगे, सो दैट कि आपको ग्राफ्स बहुत अच्छे से आ जाएं. जनरली स्पेशली जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है अंडरस्टैंडिंग में, बट मेडिकल स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है, वो ग्राफ से बहुत डरते हैं. सो मैंने अपने इन सारे गैस लॉस के लेक्चर्स में बहुत सारे आपके साथ ग्राफ्स को डिस्कस किया है कि आप कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन देखें तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आए. मैंने आपको अच्छे से सिखाया है कि कैसे हम हर एक ग्राफ वाले क्वेश्चन के साथ डील करेंगे. सो यहाँ पे भी हम 3 ग्राफ वाले क्वेश्चंस करेंगे, और साथ ही में 2 क्वेश्चन और करेंगे जो कि एप्लीकेशन ऑफ गे लुसैक लॉ होने वाला है, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है. सो सबसे पहला क्वेश्चन, अ सर्टन अमाउंट ऑफ गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड एट अ प्रेशर ऑफ 0.8 एटमॉस्फेयर इज केप्ट इन अ ग्लास वेसल. सपोज दैट द वेसल कैन विदस्टैंड अ प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर, हाउ हाई कैन यू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैस विदाउट बर्स्टिंग द वेसल. तो हमारे पास क्या है, एक गैस है, उसका जो इनिशियल टेम्परेचर है हमें वो दिया है, इनिशियल प्रेशर हमें दिया है, उसके बाद हमें एक फाइनल प्रेशर दिया है, और हमें एक फाइनल टेम्परेचर ढूंढना है. और उसके लिए जो चॉइसेस हैं टेम्परेचर की, वो है 745 डिग्री सेल्सियस, 472 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, या नन ऑफ दीस. तो यहाँ पे क्वेश्चन को देख के ही व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड इज कि ये एक प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप है. और प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेशनशिप के लिए सबसे पहले व्हाट यू शुड मेक श्योर इज कि बाकी दोनों जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं गैसेस की, क्या वो फिक्स्ड हैं. तो हमारे पास सर्टन अमाउंट ऑफ गैस गिवन है, तो ये तो फिक्स्ड है, ठीक है. दूसरी चीज क्या रहेगी, प्रेशर, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ गैस एंड वॉल्यूम. तो क्या यहाँ पे वॉल्यूम भी फिक्स्ड है? तो यहाँ पे क्वेश्चन में तो ऐसा कहीं पे नहीं लिखा कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, मगर क्या दिया हुआ है, हमें दिया है कि सर्टन अमाउंट ऑफ गैस है विच इज केप्ट इन अ ग्लास वेसल. अब ये जो ग्लास वेसल है, ये कैसी वेसल है? ग्लास वेसल एक रिजिड वेसल है जिसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो सकता. ये एक बलून के जैसे नहीं है कि जिसका वॉल्यूम अपने आप से, जब हम एक टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं या प्रेशर को चेंज कर रहे हैं, उसके साथ वॉल्यूम में चेंज आएगा. तो ये एक रिजिड वेसल है जिसका वॉल्यूम में चेंज नहीं आने वाला अपने आप से विद इंक्रीज इन प्रेशर और टेम्परेचर, राइट. So this is a rigid vessel. So this means that the volume is also constant. तो हमारे पास 2 constant variables हैं, और 2 के बीच में relationship है, और वो कौन से दोनों हैं? वो है pressure और temperature. तो हम कौन सा law लगाएंगे? Gay Lussac law. तो हमारे पास given चीजों को जल्दी से लिख लेते हैं. T1 equal to 25 degree Celsius. तो हमें जो temperature है वो Kelvin scale में चाहिए. हर एक gas law के लिए please make sure कि आप temperature को Kelvin scale में ही लें, right? So 25 में 273 add करेंगे, 298 Kelvin बन जाएगा. P1.8 एटमॉस्फेयर है, P2 2 एटमॉस्फेयर है, और फाइनल टेम्परेचर हमें ढूंढना है. तो P1 by T1 equal to P2 by T2, और वैल्यूज को पुट करेंगे तो जो फाइनल टेम्परेचर आएगा दैट विल बी 745 केल्विन, बट हमें आंसर डिग्री सेल्सियस में चाहिए, तो माइनस करेंगे 273, हम आंसर आ जाएगा 472 डिग्री
सेल्सियस, ठीक है? आई होप क्लियर है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.5 लीटर कंटेनर इज ऑक्यूपाइड बाय नाइट्रोजन एट अ प्रेशर ऑफ 800 टॉर एंड अ टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस. सपोज दैट द कंटेनर कैन विदस्टैंड अ प्रेशर ऑफ 3 एटमॉस्फेयर. व्हाट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर टू विच द कंटेनर कैन बी हीटेड. और अगेन जो चॉइसेस हैं आपके पास टेम्परेचर की गिवन है. सो लेट अस सी द क्वेश्चन. सो हमारे पास एक 0.5 लीटर का कंटेनर है और यहाँ पे वॉल्यूम में ऑल्दो कुछ गिवन नहीं है बट कोई वॉल्यूम में चेंज स्पेसिफाइड नहीं है. सो वी कैन अंडरस्टैंड कि ये जो कंटेनर है इसकी वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है. एंड दिस इज ऑक्यूपाइड बाय नाइट्रोजन. तो इसका मतलब है कि सिर्फ जो भी हमें अमाउंट ऑफ गैस दी है उसके अंदर भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, राइट? सो दिस इज समथिंग जो कि आपको इस क्वेश्चन में अंडरस्टैंड करना है. उसके बाद हमें एक इनिशियल प्रेशर, इनिशियल टेम्परेचर दिया है, फाइनल प्रेशर दिया है, तो हमें फाइनल टेम्परेचर ढूंढना है. सो अगेन दिस विल बी अ क्वेश्चन ऑफ द गे लुसैक लॉ. सो हम लिखेंगे P1 by T1 equal to P2 by T2. अब फाइनल प्रेशर हमारा 3 एटमॉस्फेयर है, इनिशियल प्रेशर 800 टॉर है और जो यूनिट सेम प्रेशर के वो सेम होने चाहिए. सो हम क्या करेंगे, किसी एक को दूसरे में चेंज करेंगे. सो व्हाट वी विल कैन डू इज कि हम इस टॉर को एटमॉस्फेयर में चेंज करेंगे. सो 760 टॉर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर. तो अगर हमें इसको चेंज करना है एटमॉस्फेयर में तो वी विल बी डिवाइडिंग 800 बाय 760 टू गेट द प्रेशर इन एटमॉस्फेयर, ठीक है? तो 800 बाय 760 और डिवाइडेड बाय अगेन 273, क्योंकि जो इनिशियल टेम्परेचर था वो था 0 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में कन्वर्ट किया तो 273 केल्विन. दिस विल बी इक्वल टू 3 एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर T2. तो यहाँ से जो T2 की वैल्यू आएगी दैट विल बी 778 केल्विन और अगर डिग्री सेल्सियस में लिख लें तो दिस विल बी 505 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्राफ वाला क्वेश्चन. सो व्हाट कंक्लूजन वुड यू ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ्स फॉर एन आइडियल गैस. तो हमारे पास एक प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, एक वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है. तो ये वाला ग्राफ किसके अकॉर्डिंग्स में होगा? वेल, ये होगा गे लुसैक लॉ के लिए. और अगर वॉल्यूम टेम्परेचर का रिलेशनशिप है तो दिस विल बी अ क्वेश्चन फॉर द ग्राफ ऑफ अ चार्ल्स लॉ, ठीक है? तो हम देखते हैं चॉइसेस क्या है हमारे पास. एज द टेम्परेचर इज रिड्यूस द वॉल्यूम एज वेल एज द प्रेशर इंक्रीजेस. तो अगर हम देखेंगे कि टेम्परेचर को हम रिड्यूस कर रहे हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर भी रिड्यूस हो रहा है, ठीक है? और अगर हम वॉल्यूम को देखेंगे तो वॉल्यूम भी रिड्यूस हो रही है टेम्परेचर को डिक्रीज करने से. तो ये वाली चॉइस क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी. नेक्स्ट चॉइस है हमारे पास, एज द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड द वॉल्यूम बिकम जीरो एंड द प्रेशर रीचेस इंफिनिटी. तो टेम्परेचर रिड्यूस करते जा रहे हैं तो अल्टीमेटली वो एक पॉइंट आया जहां पे वॉल्यूम जीरो हुई और टेम्परेचर को डिक्रीज करते जा रहे हैं तो क्या प्रेशर इंफिनिटी पे पहुंचा? नहीं, प्रेशर भी तो जीरो पे ही पहुंच रहा है. सो ये वाली चॉइस भी गलत हो जाएगी. नेक्स्ट चॉइस है, एज द टेम्परेचर इज रिड्यूस द प्रेशर डिक्रीजेस. सो यस, टेम्परेचर को रिड्यूस करने से प्रेशर डिक्रीज कर रहा है. सो दिस चॉइस इज गोइंग टू बी करेक्ट. नेक्स्ट चॉइस है हमारे पास, अ पॉइंट इज रीच्ड वेयर थ्योरेटिकली द प्रेशर इज जीरो. सो ये भी करेक्ट है कि देयर इज अ पॉइंट दैट इज एट जीरो केल्विन वेयर द प्रेशर इज गोइंग टू बी जीरो. और आई होप आपको ये याद है कि हम इसको थ्योरेटिकली क्यों कहते हैं. प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता. जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा और एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा मच बिफोर जीरो केल्विन जहां पे प्रेशर इतना कम होगा कि गैस विल गेट लिक्विफाइड. और अगर गैस लिक्विफाई हो गई, गैस रही ही नहीं, तो देन दिस विल नॉट बी फॉलोइंग द गे लुसैक लॉ, ठीक है? सो ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है कि हम कहते हैं कि जीरो केल्विन पे जीरो प्रेशर होगा. सो इसके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस बनेंगी दैट विल बी सी एंड डी. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक ग्राफ वाला क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट कर्व फॉर गे लुसैक लॉ. और ये आपकी चार चॉइसेस हैं. सबसे पहली चॉइस क्या है, लॉग पी वर्सेस लॉग टी का ग्राफ है.
तो अब हम लॉग पी वर्सेस लॉग टी पे कैसे पहुंचे फ्रॉम द गे लुसैक लॉ. तो हमें मालूम है कि पी इज कांस्टेंट एंड मास इज कांस्टेंट फॉर द गे लुसैक लॉ एंड पी बाय टी दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू कांस्टेंट. या हम लिख सकते हैं पी इक्वल टू के टी. ये हमारे पास गे लुसैक लॉ की इक्वेशन है. अब इसमें हम दोनों साइड पे लॉग्स ले सकते हैं तो लॉग पी इज गोइंग टू बी इक्वल टू लॉग के प्लस लॉग टी. और अगर हम इसको कंपेयर करेंगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से सो वी विल फाइंड दिस इज ऑल्सो अ इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जहां पे y क्या है log p. हमने इसको y एक्सिस पे लिया. log t क्या है x है हमारा. हमने इसको x एक्सिस पे लिया. अब log t के आगे कुछ भी नहीं है सो दिस मीन्स कि m की वैल्यू क्या है 1 है. और जब m की वैल्यू 1 होगी तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी बिकॉज m गिव्स अस द स्लोप ऑफ द लाइन. हम ये पीछे काफी दोनों लॉज में डिस्कस कर चुके हैं सो आई होप कि मुझे बार बार इसको आपके साथ डिस्कस नहीं करना पड़ेगा. सो m की वैल्यू 1 m गिव्स अस द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू tan थीटा. और जब tan थीटा की वैल्यू 1 है तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री. और ये जो c है ये जहां पे भी y एक्सिस को काटेगा दैट विल बी द value of log k. So ये वाला graph हमारा बिल्कुल सही है. Next अगर हम graph देखेंगे तो p versus t तो हमें पता है कि pressure is directly proportional to temperature. और ये एक again straight line graph बनेगा और ये बिल्कुल एक सही graph है. ठीक है, राइट. सो हम इसको तो हमेशा शुरू से गे लुसैक लॉ में स्टडी करते आ रहे हैं सो इसको अंडरस्टैंड करना तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट हमारे पास है पी बाय टी वर्सेस टी का ग्राफ. तो इसका मतलब ये है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं प्रेशर बाय टेम्परेचर का जो वैल्यू रहेगी वो कॉन्स्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी. तो हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा सच दैट पी बाय टी रिमेन्स कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो ये हमें गे लुसैक लॉ बताता है और ये ग्राफ भी उसके अकॉर्डिंगली है तो बिल्कुल सही है. अब ये वाला सही है तो ये वाला जो ग्राफ है दैट इज पी बाय टी वर्सेस टी सेम y axis and x axis, तो ये वाला ग्राफ गलत होना चाहिए. और वैसे भी अब आप जानते हो कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो p by t की वैल्यू तो कॉन्स्टेंट रहनी है, वो इंक्रीज नहीं कर सकती. सो दिस इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट. ठीक है, सो द करेक्ट चॉइस इज गोइंग टू बी डी चॉइस. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक ग्राफ क्वेश्चन है सो दैट कि आपके ग्राफ्स अब परफेक्ट हो जाए. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स फॉर एन आइडियल गैस द एरो इंडिकेशन इज इनकरेक्टली मार्क्ड. और जो आपकी चार चॉइसेस हैं वो ये चार चॉइसेस हैं, राइट. सो नाउ इफ यू सी दिस ग्राफ्स, पहला ग्राफ जो है दैट इज पी वर्सेस टी ग्राफ. तो ये किसका ग्राफ होगा, ये होगा गे लुसैक लॉ का. ठीक है, देन वी वर्सेस टी, तो ये कौन से लॉ के लिए ग्राफ हो गया, दैट विल बी फॉर चार्ल्स लॉ. पी वर्सेस वी, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, बॉयल्स लॉ. पी वर्सेस 1 बाय वी, अगेन प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है तो बॉयल्स लॉ. तो ये हमने तीन लॉज अभी तक सीखे हैं और तीनों के ग्राफ्स हैं. सो दैट कि आपकी एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो सो आई हैव चोजन दिस क्वेश्चन फॉर यू. So, सबसे पहला ग्राफ है हमारे पास प्रेशर वर्सेस टाइम का ग्राफ. और आप यहाँ पे देख सकते हो एक जो लाइन होती है ऑन दिस ग्राफ दैट इज एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. सो ऑल दीज आर आइसोकोर्स, राइट. और अब इन आइसोकोर्स में हमें बताना है कि क्या ये जो एरो है ये एक डिक्रीजिंग वॉल्यूम है, दैट मींस कि ये जो वॉल्यूम है दैट शुड बी मैक्सिमम फॉर दिस लाइन, फिर कम और ये वाली लाइन जो है दैट शुड बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लीस्ट वॉल्यूम. तो हम ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, वेल अगर आपको याद हो तो हम यहाँ पे हमेशा क्या करेंगे PV इक्वल टू NRT के साथ अपने लॉग के जो कांस्टेंट है उसको कंपेयर करेंगे और उससे हमें जल्दी से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्या हमारा आंसर होना चाहिए. सो PV इज इक्वल टू NRT जो कि आइडियल गैस इक्वेशन है. अभी तक हमने स्टडी नहीं किया है मगर बहुत बारी देख चुके हैं सो आई होप नाउ यू नो दिस इक्वेशन एटलीस्ट. So, इसके साथ अगर हम अपना पहला ग्राफ कंपेयर करेंगे तो P वर्सेस T का ग्राफ है और हमें मालूम है कि P बाय T
ठीक है, दैट इज अ कॉन्स्टेंट अकॉर्डिंग टू द गे लुसेक लॉ. और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम p बाई टी की वैल्यू निकालेंगे तो दैट विल बी एन आर बाय वी. तो हम कह सकते हैं k इज इक्वल टू एन आर बाय वी. और यहां से हमें क्या मिलेगा कि k इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, क्योंकि हमें यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में बताना है. ठीक है, सो k हमें क्या देता है, स्लोप ऑफ द लाइन tan थीटा. सो k विल बी इक्वल टू tan थीटा एंड देयरफॉर tan थीटा इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम. अगर थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी तो tan थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, और tan थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी तो कॉरेस्पॉन्डिंगली जो वॉल्यूम है दैट शुड बी लेस. सो अगर आप ग्राफ को देखोगे, दिस इज गोइंग टू बी द लीस्ट थीटा एंड थीटा इज इंक्रीजिंग विद द स्लोप इंक्रीजिंग. तो स्लोप इंक्रीज कर रही है, थीटा वैल्यू इंक्रीज कर रही है, tan थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो वॉल्यूम को डिक्रीज करना चाहिए, और वो इस ग्राफ में कर रही है. सो दिस ग्राफ इज गोइंग टू बी करेक्ट. नेक्स्ट ग्राफ है हमारा v वर्सेस t का ग्राफ. तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें चार्ल्स लॉ की इक्वेशन लगा देंगे. सो वी विल बी हैविंग वी बाय टी इज गोइंग टू बी इक्वल टू द कॉन्स्टेंट के, और आइडियल गैस इक्वेशन से वी बाय टी इज गोइंग टू बी इक्वल टू एन आर बाय पी. राइट, सो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, के इज गोइंग टू बी अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. सो के इज गोइंग टू बी इक्वल टू टैन थीटा विच इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो प्रेशर को डिक्रीज करना चाहिए, और यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है और प्रेशर को डिक्रीज करना चाहिए, मगर ये जो एरो है ये ऑपोजिट पॉइंट कर रही है. राइट, इसका भी जो ग्राफ है बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए. एंड यू हैव स्टडीड ऑल्सो कि जो गे लुसेक लॉ और चार्ल्स लॉ के ग्राफ है दे आर जस्ट द सेम, सिर्फ वाई एक्सिस पे प्रेशर लेंगे या वॉल्यूम लेंगे, दैट विल बी द डिफरेंस. सो दैट विल बी, अगर आप नहीं भी इसको सोचते हैं तो इसको कंपेयर दोनों को करके आप बता सकते थे कि ये वाली चॉइस इनकरेक्ट होनी चाहिए थी. बट नाउ वी हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो कि ये वाला ग्राफ क्यों गलत है. ये वाला ग्राफ अगर एरो ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही होती तो ये वाला ग्राफ करेक्ट होता. थीटा की वैल्यू डिक्रीज करने के साथ प्रेशर को डिक्रीज नहीं करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. नेक्स्ट हमारे पास है P वर्सेस V. सो दैट इज गोइंग टू बी फॉर द बॉयल्स लॉ. सो हमें P और V का क्या रिलेशन पता है, अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू nRT. अब यहाँ पे हमें इंक्रीजिंग टेम्परेचर लेना है तो K और टेम्परेचर का रिलेशनशिप देख लेते हैं. सो K इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. स्लोप इंक्रीज करेगी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ होना चाहिए. फाइन, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्लोप ऐसे इंक्रीज कर रही है, ये वाले की स्लोप मैक्सिमम होगी, एंड वी हैव द एरो आल्सो पॉइंटिंग दिस वर्ड इंक्रीज इन टेम्परेचर. सो दिस ग्राफ इज आल्सो गोइंग टू बी करेक्ट. नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास P वर्सेस 1 बाय V एंड अ डिक्रीजिंग प्रेशर. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एक P और जो V, 1 by V का रिलेशन है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ दैट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. राइट, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by V. सो हमारे पास हर एक, अगर आप लाइन देखोगे दैट इज गोइंग टू बी एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, उसको हम आइसो थर्म कहते हैं, तो हर एक पॉइंट पे आप देखोगे कि जैसे 1 by V की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, प्रेशर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. अब हमें इन चार जो आइसो थर्म्स हैं इनमें कंपेयर करना है कि मैक्सिमम प्रेशर किसमें होगा. सो वॉट यू कैन डू इज कि यहां से आप 1 by V की कोई भी एक वैल्यू को ले सकते हैं. जस्ट अ मोमेंट, या सो कोई भी एक वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंगली, जैसे सपोजली हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, सो हमने एक 1 by V वैल्यू पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की. Although this is not come out straight, but I hope you can understand कि अगर ये straight होगी तो 1 by V की जो value होगी वो same होगी. और यहाँ से अगर आप PV equal to nRT देखते हैं, तो अगर आप इस V को constant कर देते हैं, ठीक है, V को कांस्टेंट कर देंगे या V को इस साइड पे ले आएंगे तो 1 by V की वैल्यू हो जाएगी. सो अगर वो कांस्टेंट होगा तो जो P होगा दैट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ K.
ठीक है, अगर के इंक्रीज करेगा तो पी भी इंक्रीज करेगा. सो ये भी बता सकते हैं कि स्लोप इंक्रीज करिए तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है. अदरवाइज अगर आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली इस 1/v पे देखेंगे, 1/v पे ये वाले प्रेशर सबसे कम, फिर और कम ज्यादा हो रहा है सॉरी, और यहाँ ज्यादा हो रहा है और ये ज्यादा हो रहा है. सो फॉर एवरी 1/v वैल्यू वॉट वी आर सीइंग इज कि द प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द स्लोप और इंक्रीज इन द k वैल्यू, राइट. सो दिस ग्राफ इज ऑल्सो गोइंग टू बी करेक्ट. प्रेशर यहां से लेकर इस आइसोथर्म पे आते हुए डिक्रीज कर रहा है, ठीक है. सो असेंशली अब आपको क्या समझ में आया कि ये वाला ग्राफ सही, ये वाला ग्राफ सही, ये वाला ग्राफ सही, तो गलत कौन सा? हमारी पी चॉइस, राइट. सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. नेक्स्ट हमारे पास अब जो क्वेश्चन है दैट इज गोइंग टू बी वन वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द गे लुसैक लॉ इन डेली लाइफ, ठीक है. तो एटमोस्फेरिक प्रेशर रिकॉर्डेड इन डिफरेंट सिटीज आर गिवन टू अस एंड द सिटीज आर शिमला. शिमला का प्रेशर है 1.01 × 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, बैंगलोर 1.2 × 10^5, दिल्ली 1.02 × 10^5 एंड मुंबई 1.21 × 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन है कि यू हैव टू कंसिडर द अबव डेटा एंड मार्क द प्लेस एट विच द लिक्विड विल बॉइल फर्स्ट, राइट. सो यहाँ पे एक लिक्विड बताना है कि कोई भी अगर आप लिक्विड लें, से आप वाटर लेते हैं, तो वाटर इनमें से कौन सी जगह पे सबसे जल्दी बॉइल करेगा, राइट. तो अब उसके लिए आपको अंडरस्टैंड क्या करना है कि आप अभी तक अपनी जूनियर क्लासेस में स्टडी करते आए कि वाटर इज गोइंग टू बॉइल एट 100 °C, मगर एक्चुअली में ऐसा नहीं है. बॉइलिंग इज गोइंग टू हैपन व्हेन द प्रेशर अबव द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर, राइट. और अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो जो भी लिक्विड होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है. तो सपोजिडली अगर सी लेवल पे एटमोस्फेरिक प्रेशर हमने स्टडी किया है कि ज्यादा होता है, हायर ऑल्टीट्यूड्स पे एटमोस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, तो 100 °C पे ही वाटर हायर ऑल्टीट्यूड्स में बॉयल नहीं करने वाला, वो एक कम वैल्यू पे करेगा, से लेट इट बी 80 °C और 85 °C, जो भी वैल्यू होगी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर, मगर कॉन्स्टेंट नहीं होगा. सो द बॉइलिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट अपॉन द एटमोस्फेयर प्रेशर, ठीक है. और अब इन सब में से अगर आप डेटा देख रहे हो तो सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कहां पे है? शिमला में 1.01 × 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो सबसे कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पे ज्यादा, और इसलिए इसका मतलब क्या होगा कि सबसे पहले लिक्विड शिमला में बॉइल करेगा, ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये एक एक्सटेंशन है हमारे पिछले क्वेश्चन की और एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द गे लुसैक लॉ. अ पर्सन लिविंग एट शिमला ऑब्जर्व्ड दैट द कुकिंग फूड विदाउट यूजिंग प्रेशर कुकर टेक्स मोर टाइम. द रीजन इज प्रेशर इंक्रीजेस टेम्परेचर डिक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस टेम्परेचर इंक्रीजेस. और इसके लिए अगेन जो आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो वो क्या है कि जो लिक्विड है वो कब बॉइल करेगा? जब प्रेशर उसके अबव ऐसा हो जाएगा कि दैट बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा. सो हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जो प्रेशर है वो कम है, इसका मतलब है कि जो बॉइलिंग है दैट विल बी टेकिंग प्लेस एट अ लोअर टेम्परेचर. अब लोअर टेम्परेचर पे जब बॉइलिंग होगी तो सी अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हमारे पास कुछ खाना है जिसको हम एक ओपन वेसल में कुक कर रहे हैं, ठीक है. अब उसके अंदर जो बॉइलिंग है वो सपोजिडली हम मान लेते हैं कि एटमोस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंगली 80 °C पे बॉइलिंग शुरू हो गई. वो जो फूड 100 °C तक टेम्परेचर पे सी लेवल पे जा सकता था, अब वो 80 °C पे ही जा पा रहा है क्योंकि बॉइलिंग पहले ही शुरू हो गई. तो उस फूड को कुक करने के लिए हमें ज्यादा टाइम लगेगा. अगर 100 °C पे हम किसी चीज को कुक कर रहे हैं और उसको 5 मिनट लग रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉबेबली 7 मिनट लगेंगे या 8 मिनट लगेंगे, डिपेंडिंग अपॉन
कि क्या एग्जैक्टली टेम्परेचर्स हैं, तो हम वो कैलकुलेशंस कर सकते हैं, मगर एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो जो कुकिंग का टाइम है वो हमें इंक्रीज करना पड़ेगा सो दैट कि प्रॉपर कुकिंग हो सके. अब दूसरा पार्ट है यहाँ पे कि प्रेशर कुकर से ये ज्यादा टाइम ले रहा है. तो प्रेशर कुकर में क्या हो रहा है, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड. प्रेशर कुकर के अंदर एटमोस्फेयर से तो जो कंटैक्ट है दैट इज बीन ब्रोकन. तो प्रेशर कुकर के अंदर हम प्रेशर को जो भी उस प्रेशर कुकर का सेफ्टी वॉल्व के अकॉर्डिंगली प्रेशर हम मेंटेन कर सकते हैं वो उस प्रेशर को हम अटेन करते हैं. ठीक है, तो प्रेशर प्रेशर कुकर के अंदर हाई हो जाएगा इरिस्पेक्टिव कि बाहर एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है, प्रेशर इंक्रीज किया तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा एंड द कुकिंग इज गोइंग टू टेक लेस टाइम. और यहाँ पे एक और क्वेश्चन जनरली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो ये है कि अगर आप प्रेशर कुकर में कुक कर रहे हैं मुंबई में भी और साथ में शिमला में भी तो कहाँ पे जल्दी कुकिंग होगी. तो दैट विल बी योर आंसर. वॉट द आंसर इज गोइंग टू बी कि प्रेशर कुकर के अंदर एटमोस्फेरिक प्रेशर से कोई कंटैक्ट नहीं है सो प्रेशर कुकर में इक्वल टाइम लगेगा कुकिंग का. ठीक है, अदरवाइज अगर आप ओपन कुकिंग कर रहे हैं तो एटमोस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंडेंट होगा. हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जहां पे एटमोस्फेरिक प्रेशर कम है वहां पे आपको ज्यादा कुकिंग में टाइम लगेगा. सो आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. मैंने इसको गे लुसैक लॉ की एप्लीकेशंस में ना लेके क्वेश्चन फॉर्म में इसीलिए लिया सो दैट कि आप इसको अच्छे से दिमाग में याद रख सके, भूले नहीं, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर. आई होप आई हैव बीन एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमारे को गे लुसैक लॉ के रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको उन्हें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है. नेक्स्ट हम फोर्थ गैस लॉ को स्टडी करेंगे विच इज गोइंग टू बी द एवोगैड्रोस लॉ. सो आई होप आपको ये वाला लेक्चर अच्छा लगा. आप प्लीज जाने से पहले लाइक जरूर कीजिएगा इनकेस आपको अच्छा लेक्चर लगा, और सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर पोस्ट करूँ. तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल H2O केमिस्ट्री एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन. बेल आइकन क्लिक करते ही आपको जैसे ही हम लग नया लेक्चर पोस्ट करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. इन इस आपके कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री, आप हमें मेल कर सकते हैं अपने डाउट्स @h2ochemistry@gmail.com. आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज का नेम बिल्कुल हमारे चैनल का है, दैट इज H2O केमिस्ट्री. सो प्लीज डू ज्वाइन अस आइदर ऑन द फेसबुक पेज, पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, मेल देम टू अस, मगर अपने डाउट्स अपने पास मत नहीं रखिएगा, अपने डाउट्स जरूर साथ साथ में क्लियर करते जाएं, अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते जाएं. सो सी यू अगेन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर ऑन एवोगैड्रोस लॉ. बाय बाय.